1 hour later. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईद मुबारक सबको, बहुत बहुत ईद मुबारक जी। तो हम हो गए रेडी और यहाँ देखिए, ये मैंने इस दफ़ा जो है वो पूरी वाइट ड्रेस ली है और सब अच्छे से ईद मनाएं, इंजॉय करें अपनों के साथ। हम लोग भी बस निकलने लगे हैं, रेडी हो गए, हम लोग जा रहे हैं। आपको तो पता है ईद सबके साथ ही मनाने में मज़ा आता है। सो बस निकलते हैं और आज का दिन कैसा गुजरेगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और माय ड्रेस, मैं आपको ड्रेस, लुक एट माय ड्रेस, वाइट कलर का मुझे बहुत अच्छा ऑर्गेन्जा का ये मिला था सूट, 3 पीस, तो मैंने इसका ये बनाया है। ये इसका दुपट्टा भी ऑर्गेन्जा का है पूरा। सो नाउ नीचे है मेरे पास जो ये मैंने खुद से लिए इसके साथ। So now I am ready and let's go. Day 2. Assalamu alaikum friends, and second day है आज ईद का। सबको ईद मुबारक। और कैसे आप लोग सब, और आप लोगों की ईद कैसे गुजरी है? और आज है second day और हम लोग अगेन रेडी हो गए हैं जाने के लिए ममालों की तरफ। आज हम ममालों की तरफ जा रहे हैं, आज वहाँ सबकी दावत है। और कल का भी हमारा बहुत अच्छा दिन गुजरा, बस थोड़ी सी टेंशन हो गई थी, रहा कि थोड़ी से चोट लग गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। सो नाउ वी आर रेडी टू गो, मम्मा की तरफ जा रहे हैं। और आज का जो मैंने ड्रेस पहना है वो पहले भी मेरे व्लॉग में देखा होगा, क्योंकि मेरा जो वो ड्रेस है वो जो है टेलर से नहीं बन पाया। सो मैंने ये पहन लिया, ये भी मेरा बहुत अच्छा ड्रेस है, कलर भी बहुत अच्छा है। सो नाउ हम रेडी हो गए, थोड़ा थोड़ा मैंने मेकअप कर लिया है, हल्की हल्की थोड़ी सी ज्वेलरी पहन ली है, कुछ हैवी नहीं। और इरहा भी रेडी हो गई, हम सब रेडी हो गए, नाउ चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। गलियों कितनी खूबसूरत सुबह है ईद की, माशाल्लाह से बहुत मज़ा आता है। ईद की होती ही सुबह सबसे अच्छी है, जिसमें सब जाने का दिल करता है। और अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, मामाओं की तरफ जा रहे हैं और फिर मिलते हैं आपसे। A few moments later. फ्रेंड्स, तो ये देखें भाई, हमारा एहतमाम या दावत का ये है, शामी कबाब ये है, कचोरियाँ जो कि मज़े मज़े से सब घर में बना है, सैलेड, एंड ये है बिरयानी बन रही है, और यहाँ पे भी कचोरी। 3 hours later. जी फ्रेंड्स, तो हम हो गए दावत से फारिग और निकल आए हैं, और बस बहुत बहुत मज़े की दावतें रही हैं हमारी। और थकन तो आप देख ही नहीं होंगे मेरे फेस पे, बस रमज़ान था, उसके बाद ईद, फिर ईदों में जल्दी उठो, दावतें हैं, ये है वो है, बहुत बहुत मज़ा आया। हमारी ईदें बहुत ही अच्छी गुजरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ अभी तो मैंने अपने घर पे दावत नहीं रखी, इंशाल्लाह मैं अपने घर पे भी दावत रखूँगी, सबको बुलाऊँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बस अभी हम थोड़ा से सोचे थे, थोड़ा राउंड लगाते हैं, देखते हैं, वही सर है। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डे 3 एंड ईद मुबारक
आज थर्ड डे की ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत। और कैसे आप लोग सब और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? मेरी उदार सर को कितने वासे हो रहे। और माशाल्लाह से हमारी ईदें बहुत अच्छी गुजरी, कल का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा, पहला दिन भी बहुत अच्छा, हमने अच्छे अच्छे खाने खाए, इंजॉय किया। नाउ आज है थर्ड डे और हम हैं घर पे, और आज है फ्राइडे भी। पिछला फ्राइडे जुम्मतुल विदा था, यानी रमज़ान का लास्ट जुम्मा था, और आज ईद भी देखिए ख़त्म हो गई, इतनी जल्दी वक्त का पता ही नहीं चला। नाउ आज जो है हम घर पे ही हैं, और बस अभी हमने शावर वावर लिया है, जुम्मे की तैयारी की है अल्हम्दुलिल्लाह। और नाउ आज मैं कर रही हूँ, हमारे यहाँ नीचे सोसाइटी में गार्ड्स हैं, उनके लिए खाना बना रही हूँ। वो लोग हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, हमारी प्रोटेक्शन के लिए दिन रात जागते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज बनता है कि हम उनके लिए कुछ स्पेशल करें। और आज कुछ ईद के स्पेशल दिनों में ना, तो बस मैं भी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अच्छा सा चिकन पुलाव, और वो हम सर्व करेंगे बॉक्सेस में डाल के, साथ पानी की एक बॉटल देंगे, और वो राइस हम सबको जितने भी गार्ड्स हैं उन्हें सर्व करेंगे इंशाल्लाह, और उन्हें स्पेशल फील कराएंगे कि वो हमारे लिए इतना कर सकते हैं तो हम भी उनके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमने जल्दी जल्दी करना है क्योंकि नमाज का भी वक्त हो रहा है, और हमने उससे पहले जल्दी से बना के नमाज अदा करके फिर सर्व करेंगे, और जो भी होगा आप लोगों से शेयर करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो मेरा पुलाव रेडी हो गया है और मेरा खाना भी रेडी हो गया, लंच जो हमने आज बनाया चिकन का, और बस अभी पढ़ते हैं नमाज जल्दी से, और फिर उसके बाद हम जो है वो बॉक्सेस में पैक करेंगे, और साथ हम जो है वो कोल्ड ड्रिंक या पानी की बॉटल साथ सर्व करेंगे इंशाल्लाह। जी फ्रेंड्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमने सारे बॉक्सेस में डालकर, और उसके बाद हमने साथ कोल्ड ड्रिंक जो है वो, हमें बॉटल्स नहीं अवेलेबल हुई तो हमने कोल्ड ड्रिंक्स जो है बड़ी बड़ी दो बॉटल्स, और साथ डिस्पोजेबल ग्लास जो है वो हमने जो है वहाँ पे गार्ड्स तक जो है वो पहुँचा दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जो है हमें ये तौफीक देते रहे कि हम जो है ये छोटी छोटी चीज़ें करते रहें। और आपके साथ शेयर करने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं कोई मतलब होता है ना, कुछ लोग समझते हैं कि हम कोई ऐसा बड़ा काम दिखा रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि ये हम सब कर सकते हैं, यानी कि हम जब कोरोना का टाइम आया था, जब लोगों ने यही किया था कि अपने घर में अगर दो रोटी बनाते तो चार बनाते थे, दो अपने नेबर्स को या ऐसे लोगों को दे देते थे जिन्हें बहुत ज़्यादा नीड होती थी। और आज भी वक्त ऐसा ही है हमारे मुल्क में, आप सभी जानते होंगे के बहुत ज़्यादा जो है वो बेरोज़गारी और गुर्बत बढ़ रही है। अल्लाह ताला सबकी मदद करे, जितनी अल्लाह मदद कर सकते उतनी हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी थोड़ी मदद हम कर सकते हैं। सो ये गार्ड्स जो है हमारी प्रॉपर हिफाजत करते हैं, दिन रात मेहनत में, गर्मी में, बारिश में, धूप में, हर वक्त जो है वो स्टिल जो है वो खड़े रहते हैं। सो हमारी छोटी सी कोशिश थी कि हम उनके लिए कुछ स्पेशल करें, और ये नहीं कि हम डेली नहीं कर सकते ना मंथली कर सकते हैं, ये एक स्पेशल इवेंट भी था, ईद है जैसे, तो दो ईदों को तो हम घर पे नहीं थे, मामा लोगों की तरफ थे, मम्मी लोगों की तरफ थे, तो आज घर पे ही थे, तो हमने सोचा एक छोटी सी कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से वो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश अच्छे से हो गई, राइस बन गए थे, हमने जो है वो वहाँ पे पहुँचा दिए हैं, वो खाएँगे और खुश होंगे, हमें भी बहुत खुशी हुई है। सो ये है मेरे तीन दिन का ईद का व्लॉग जो हमने बनाया, शूट किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। इरहा को बस थोड़ी लग गई थी आज, उसकी जो है वो स्टिचेस जो है, स्टिचेस नहीं लगे, बैंडेज उन्होंने लगाई थी, वो आज उतरेगी, आज शाम में हम डॉक्टर के पास जाएंगे। आप सबसे अपील है कि मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, सबके लिए दुआ करें, और इंशाल्लाह मैं भी आप सबके लिए, अपनी फैमिली के लिए, जो यूट्यूब माई फैमिली है उसके लिए मैं ज़रूर दुआ करूँगी और करती रहती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लगें तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे जल्दी इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।